नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया। दोस्तों, आज मैं अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करने वाला हूं और अफिलिएट मार्केटिंग से किस तरीके से आप अर्निंग करते हैं, किस तरीके से आप पैसा कमाते हैं, उसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। और एक बात बता दूं कि अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग से घर पे बैठे काम करते हैं तो आप आसानी से 40,000, 10,000, 15,000, 20,000, 1-1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। लेकिन जो एफिलिएट मार्केटिंग होता है उसको आप सही से इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो फिर आसानी से आप कमा पाएंगे। अगर आप उसको रन नहीं कर पाते हैं सही से तो फिर आप 1 रुपए भी नहीं कमा सकते हैं। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग एंड हाउ टू कम्पीट एफिलिएट मार्केटिंग, हम किस तरीके से उसको कम्पीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब मैं आपको बता दूं कि एफिलिएट मार्केटिंग लाइक अमेजन की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, तो उस पर कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उस पर आपको एक वेबसाइट्स बनाना होता है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग से रिगार्डिंग जो आपका आईडी है उसको बनाना पड़ता है। फिर उस एफिलिएट मार्केटिंग के आईडी से आपको क्या करना होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लिंक जनरेट करना होता है और उस लिंक को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से उसको आप प्रमोट करते हैं। और उस लिंक को क्लिक कर अगर कोई चीज़ परचेज करता है तो उस पर आपका कमीशन मिलता है। उस पर जो कमीशन मिलता है वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। 1% भी होता है, 2% भी हो सकता है, 10%, 15%, 20% तक का भी उस पे ऑफर्स होते हैं। अगर आप उस प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं अपने लिंक के माध्यम से तो फिर आपको उस पे जो है, जो उसका बेनिफिट होता है, जो परसेंटेज होता है, वो आपको प्रोवाइड करता है। तो एज्यूम के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल जो है अपने लिंक के माध्यम से किसी को बेचवाते हैं, तो 10,000 का मोबाइल है, अगर 10% दे रहा है तो आपका 1,000 हो गया। अगर आप महीने में 10 प्रोडक्ट भी बेचवा देते हैं तो आपका 1,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये जो है आपका महीने का हो गया। लेकिन अगर आप पूरा डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, तो आप सोचिए कि कितने प्रोडक्ट बेच सकते हैं और उसका आउटपुट जो है कितना कमा सकते हैं। तो ये आपको एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप रजिस्टर करेंगे और किस तरीके से लिंक जनरेट कर उसको प्रमोट करेंगे ताकि आप उसको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट कर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकें। तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलना होगा। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरीके से आप जो है अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है, ये अमेजन का वेबसाइट खोल देना है। जैसे ही आप अमेजन का वेबसाइट खोलते हैं आपको इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा सामने, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि नीचे जाना है आपको, ठीक है। अब नीचे जाना है, सबसे नीचे आपको चले जाना है। सबसे नीचे जब जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, मेक मनी विथ अस, सेल ऑन अमेजन, सेल अंडर द अमेजन एफिलिएट एंड बिकम एफिलिएट एंड फुलफिल बाय अमेजन एंड एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड अमेजन पे और मर्चेंट। सो आपको क्या करना है कि यहाँ पर बिकम एन एफिलिएट पर क्लिक कर, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके का यहाँ पर साइनअप करना है। जैसे ही साइनअप करते हैं यहाँ पे देखिए आपको क्या है कि लॉगिन करना है, तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ, ठीक है। जैसे ही लॉगिन करते हैं फिर देखें कि आप इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ओके। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो है आप भर दिए, यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन भर दिए हैं, जो भी है आपका यहाँ पे आएगा, भरने का एक फॉर्म भरने का आएगा। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे जो है ना आपका इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो आपको क्या है कि इस पे एड्रेस और इस पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको फुलफिल करनी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ें आ रही है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक आता है हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, तो द पे इज लिस्टेड अबव, जो नाम ऊपर है ये राहुल यादव ये है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि फॉर यूएस टैक्सेस पर्पसेज आर यू यूएस पर्सन, कह रहे कि अगर मतलब टैक्स सोर्स के लिए जो है आप क्या यूएस पर्सन है, तो आप यूएस पर्सन अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर यहाँ पर नो कर दीजिए, ठीक है। तो यही पहला इंटरफेस आएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पर आगे करता हूँ। जैसे ही आगे करते हैं आपको इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस आएगा, उसमें लिखा होगा कि योर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप्स लिस्ट ऑल द टॉप लेवल्स वेबसाइट्स एंड जो मोबाइल ऐप्स ऑन इन विच प्लान टू, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे पर्सनल आपका जो भी वेबसाइट है आप वहाँ पे दे दीजिए। तो मैं जो है, चलिए मैं यूट्यूब का अपना लिंक डाल देता हूँ, ठीक है, अपने चैनल का। तो मैं आपको जो है यहाँ पे अपने चैनल का लिंक डाल देता हूँ आपको, ताकि आसानी हो। तो आप अभी अपने चैनल का डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरा चैनल है ये, मैं यहाँ से अब जो है क्या करता हूँ कि मैं अपना यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ, ठीक है।
चलता हूँ यहाँ पे लिंक डाल देते हैं, इसके बाद फिर क्या करते हैं यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ऐड हो गया आपका। अगर आपका कोई मोबाइल ऐप है तो आप मोबाइल ऐप कर सकते हैं, फेसबुक करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट है तो कर सकते हैं, तो जो है आपके पास वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेसिकली करना है। अब आप फिर यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करते हैं आप देखिए यहाँ पे जो है आपका ये आ गया, व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट आईडी। तो मान लीजिए मैं राहुल वन लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, आप अपने नाम से जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका वेबसाइट लिंक हो गया। व्हाट आर द वेबसाइट और इन मोबाइल ऑफ से बात कर टू प्रमोट टेक्निकल थिंग। तो आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, जो आपका चैनल रिगार्डिंग है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से फोकस कर सकते हैं। अब आपका आ रहा है यहाँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट फॉर मोबाइल ऐप्स। अब कह रहे हैं कि जो आपका वेबसाइट है वो किससे रिगार्डिंग है, अब जो आपके रिगार्डिंग है वो आपको सर्च करना है। तो आप देख लीजिएगा आपका इसमें से कौन है, ऑटोमेटिव ट्रांसपोर्टेशन, बुक्स, बिजनेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, एजुकेटेड, लाइक एवरीथिंग। तो आपको अब डिसाइड करना है कि आपका क्या है। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं लेकर आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। आप सेकेंडरी में आप कुछ करना चाहते हैं और है तो सेकेंडरी में आप कर दीजिए, यहाँ पे आप एजुकेशन कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद विच टाइप ऑफ अमेजन आइटम डू यू वांट इंटेड टू लिस्ट योर वेबसाइट ऑफ मोबाइल ऐप। तो कह रहे हैं किस प्रकार का आप चीज़ें चाहते हैं आप करना। अगर आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो आप देख लीजिए जो आपको लग रहा है उसमें क्लिक करें। तो मैं कंप्यूटर कर देता हूँ, इसके बाद क्लोथिंग शूज ज्वेलरी कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कर देता हूँ, आपको जो है उसके अनुसार कर दीजिए। करेंगे व्हाट आर द टाइप ऑफ वेबसाइट ऑफ मोबाइल ऐप्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि किस तरीके का आपका वेबसाइट है, ठीक है। तो आपका अगर कुछ है तो सोशल मीडिया पेज ग्रुप है तो यहाँ पे कीजिए। सेकेंडरी में क्या है कि आप सेकेंडरी में कुछ करना चाहते हैं, आपका वेब पोर्टल है तो डायरेक्टली पोर्टल यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट। जैसे कि आप जो है अपने वेबसाइट पर जो ट्रैफिक है वो कहाँ से लाते हैं, तो आप कहाँ से लाते हैं, तो सोशल नेटवर्क से लाते हैं, SEO से लाते हैं, ब्लॉग से लाते हैं। तो जिससे आप लाते हैं यहाँ पे फुलफिल कर दीजिए, ठीक है। व्हाट डू यूटिलाइज योर वेबसाइट इन टू जनरेट इनकम। कह रहे हैं कि आप जो है अपने वेबसाइट पर किस तरीके का के लिए चीज़ों को अपनाते हैं। तो आप अगर कोई चीज़ करते हैं थर्ड पार्टी कोई चीज़ करते हैं तो आप जो भी इसमें से लगता है कि आपको ई कॉमर्स बिजनेस लाइक एवरीथिंग, तो आप जो जिससे लगता है कि आप पैसा कमा रहे हैं तो फिर यहाँ पे तो मैं थर्ड पार्टी क्लिक कर देता हूँ। सेकेंडरी में मैं चाहता हूँ तो मैं डिस्प्लेइंग एड जो भी आप क्लिक कर दीजिए। व्हाट डू यूजली बिल्ड लिंक ऑर्डर कर दीजिए, यहाँ पे कुछ समझ नहीं है, कंटेंट मैनेजमेंट नहीं समझ में आ रहा तो ऑर्डर कर दीजिए यहाँ पे। इसके बाद क्या है, व्हाट इज़ योर प्राइमरी रीजन टू ज्वाइनिंग अमेजन प्राइलीज, तो टू मोनेटाइज माई साइट अदर्स, ठीक है, अदर कर देते हैं यहाँ पे। हाउ डू इट हियर अबाउट अस, इसके बारे में आपने कहाँ से सुना था, तो मैंने सुना था भाई ऑनलाइन सुना था, तो मैं आपको ऑनलाइन सर्च से भेज देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे कैप्चा डालना है, जो यहाँ पे कैप्चा आया हुआ है इसको डालना है। तो 4454535Y, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये करना है, एग्री करना है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स है, इसके बाद यहाँ पे फिनिश कर देना है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको जो जो मैं बताया उस तरीके से भरना है आपको। यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये आपको जो है रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड है तो कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल यूनिक विजिटर्स टू एवरी वेबसाइट टू हमने कितने आते हैं। तो मान लीजिए 5,000 से 50,000 तक आते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ योर प्राइमरी रीजन टू ज्वाइनिंग द अमेजन, लाइक अदर हो गया, यहाँ पे ऑनलाइन सर्च कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिनिश करना है। जैसे ही फिनिश पे करते हैं आप देखिए कि इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, मतलब कॉन्ग्रेट्स राहुल, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू अमेजन। ये आपका जो है आपका वेबसाइट पे आपका जो है आपका अकाउंट बन गया, ठीक है, एसोसिएट प्रोग्राम के लिए। करेंगे इंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, करेंगे अगर आप इसको भरना चाहते हैं अभी तो यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट जो डिटेल लेना चाहते हैं वैसा ऑप्शन आएगा आपको, ठीक है। तो आप चाहें तो इस तरीके से यहाँ से जो है ऐड कर सकते हैं यहाँ पे नंबर जाके, लेकिन मैं कैंसिल करता हूँ इसको, मैं अभी ऐड नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको बैक करता हूँ, ठीक है, बैक करके मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपको क्या कि यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल जनरेट हो गया, सारा चीज़ें हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको सेल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है आपका वेबसाइट क्रिएट हो गया था, तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीके से अब जो है सेल करना है, ठीक है। तो ये आपका वेबसाइट हो गया। फिर मैं आपको क्या करता हूँ कि यहाँ पे आप जाता हूँ और मैं अमेजन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, अमेजन। अब मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही आपका वेबसाइट जब वहाँ कॉन्ग्रेट्स लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन आने लगेगा यहाँ पे अर्निंग का, ठीक है, अर्निंग का ऑप्शन आने लगेगा। मतलब ये हुआ कि आपका जो है अब एफिलिएट मार्केटिंग का जो वेबसाइट है
वो बनकर तैयार हो गया है। और ऊपर जो टॉप पे देखिएगा इस प्रकार का जो अमेजन एसोसिएट इंटरप्रेटर, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और फैंसी फॉर एक्स्ट्रा कमीशन ये जो लिखा हुआ है ये आ जाएगा। जैसे आप खोलते हैं यहाँ पे आपका सारा चीज़ें आ जाती है कि आप कितने पैसा कमाए, ये भी इसका डैशबोर्ड है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि किस पे कितना मिल रहा है तो आप देख सकते हैं अर्निंग रिपोर्ट जो है यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद आप जो है यहाँ पे बता देगा, आपको सारी डिटेल बता देगा, पेमेंट हिस्ट्री बता देगा, डाउनलोड रिपोर्ट्स बता देगा, फीडबैक बता देगा, ये सारी चीज़ें जो है आपको बता देगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कितने कौन सा चेंज करने पे कितना पैसा मिलता है। तो आपको जो है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फीस जो है ना, यहाँ से आपको जो भी पैसा कमाएंगे यहाँ पे आपका इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप आराम से जान सकते हैं और देख सकते हैं। फीस शेड्यूल जो है, फीस शेड्यूल पर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको जो है कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा। तो ये देख लिया, अप्रैल एसेसरीज है, ये जो है इस पे इतना इतना परसेंटेज मिलेगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो आप कैसे करें। मान लीजिए ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, मोबाइल पर मैंने क्लिक किया, मोबाइल पर मान लीजिए मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक लिंक बनता है, इस लिंक को कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद आप जो है अपने फेसबुक अकाउंट पर चले जाइए। फेसबुक अकाउंट पर चले जाए, मान लीजिए मैं आप चला जाता हूँ फेसबुक अकाउंट पर और मेरा चैनल टेक्निकल दुनिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, इसको पोस्ट कर देता हूँ। अब क्या है कि ये जो है लोगों के पास इसको पोस्ट करने के बाद पहुँचेगा। ठीक है, पोस्ट हो रहा है, ये पोस्ट हो रहा है, देखिए पोस्ट मैंने कर दिया। इसके बाद क्या करेगा, अगर यहाँ से कोई क्लिक करके आपकी चीज़ों को परचेज करता है तो फिर आपको जो है कमीशन मिलेगा। ओके, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, तो इसको प्रमोट करें ताकि इसके माध्यम से इन लोग पैसा लोग खरीदें मोबाइल, तो आपको जो है अर्निंग हो सकती है। तो इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं और इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू। तो देख लिया आपने कि इस तरीके से आप कंपोज कीजिए, इस तरीके से आप अपना बनाइए प्रोफाइल, एंड आफ्टर दैट लिंक जनरेट कर आप अपने अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भेजिए और वहां से लोग खरीदते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी, तो आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।